नमस्कार, बीएनएन टाइम्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री के आकस्मिक फैसले के विरोध में कांग्रेसी नगर के अंबेडकर चौक में बुधवार को कांग्रेसियों द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेसियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 मार्च 2020 को रात्रि 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर आकस्मिक 21 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था, जिसके चलते पूरे भारत में अफरा तफरी का माहौल बन गया था, जिसके चलते कमाने खाने गए हजारों मजदूर अपने घर वापस आने के लिए उतारू हो गए थे, जिनके पास न खाने के लिए सामान और न ही आने के लिए कोई साधन था, साथ ही अपने रोजगार से हाथ धो बैठे थे, जिसको लेकर नगर के अम्बेडकर चौक में कांग्रेसियों द्वारा बैठक आयोजित कर 24 मार्च की देर शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए आकस्मिक निर्णय पर घोर विरोध किया, जिसमें प्रमुख रूप से उपस्थित रहे राजा सोनी, सौरभ लोधी, गंगा लिल्लारे, उमेंद्र लिल्लारे, अल्लाह रखा, बुरू पटेल सहित दर्जनों की संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे। जी भैया, बताए अपना परिचय। जैसा कि आप जानते हैं, आज 24 मार्च है और 24 मार्च को मैं इसलिए थोड़ा दमदारी से बोल रहा हूँ क्योंकि 24 मार्च 2020 को रात में 8 बजे भारत के प्रधानमंत्री ने प्रेस वार्ता लेकर अप्रत्याशित रूप से, लोग सभी चाहते थे कि कोविड को रोकने के लिए लॉकडाउन लगना चाहिए, नियंत्रण की व्यवस्थाएं होना चाहिए, परंतु अप्रत्याशित रूप से, जैसी किसी को कल्पना नहीं थी, बेढंगे तरीके से 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा करी। इसको हम एक सनक भरी घोषणा कह सकते हैं। पीछे जो पोस्टर लगा है, आप इसमें फोटो देख रहे होंगे, ये सारे उन मजदूरों के फोटो हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सनक के कारण इस देश का करोड़ों कामगार सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ इस लॉकडाउन की वजह से, वो हमारा कामगार तबका था, जो दैनिक अपनी रोजी के लिए संघर्ष करता है, आजीविका के लिए रोज अपना संघर्ष करता है। ऐसे लोग कहीं के नहीं रहे, उनकी रोजी रोजगार चले गए, उनके छत से उनका आसियाना चला गया। हमारे मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग के 5 लोग महाराष्ट्र में ट्रेन दुर्घटना में मारे गए और लगभग आंकड़ों के हिसाब से कोविड में 1,60,000 लोग दुर्घटनाओं में मरे, जो अप्रत्याशित तौर से पलायन इस देश को झेलना पड़ा। तो निश्चित तौर पे जो कोविड की गाइडलाइन है, कांग्रेस पार्टी उनका सम्मान करती है, कांग्रेस पार्टी कोविड की गाइडलाइन का पालन करती है, परंतु नरेंद्र मोदी जो ठीक रात के 8 बजे अपने सनक भरे फैसले लेते हैं और 8 बजे रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को मुसीबत में डाल देते हैं। इसके पहले जब उन्होंने नोटबंदी की घोषणा करी थी, तब भी रात के 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अप्रत्याशित तौर से एक आर्थिक महाघोटाला नोटबंदी के रूप में देखने में आया। उसके बाद कोविड के नाम पर इन्होंने अप्रत्याशित रूप से देश के करोड़ों लोगों को बेघर और बेरोजगार करने का जो दुस्साहस या दुष्कर्म किया है, ये उनकी सनक भरे फैसले को हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि मोदी जी, आपने जो लॉकडाउन किया और जो अव्यवस्थाएं इस देश के अंदर हुई, उससे जो करोड़ों लोग बेरोजगार और बेघर हुए, उनसे कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, कोविड पे किसी किस्म का कोई नियंत्रण हो नहीं पाया, और आज फिर 24 मार्च आ रहा है और आज फिर देख रहे हैं लोग पैदल अपने घरों की तरफ आ रहे हैं, बॉर्डरों पर प्रशासन ने अपने आदमी बैठा के रखे हैं, महाराष्ट्र से आने वाले जो मध्य प्रदेश के रहवासी हैं उनसे कहते हैं कि वहाँ की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाओ। तो इस तरीके से अभी नई नौटंकी मध्य प्रदेश में, सायरन बजाओ, कोरोना भगाओ, पहले थाली पिटवाई, घंटी बजवाई, दीपक जलवाए और अब सायरन बजवा के ये जो कोरोना भगाने की नौटंकी कर रहे हैं। हम इससे इस देश को आगाह करना चाहते हैं और मोदी जी से आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि आप अपनी गलती के लिए, आपको देश के लाखों करोड़ों कामगारों से जिनकी रोजी रोटी आपके कारण प्रभावित हुई है, आपने माफ़ी मांगना चाहिए। अपना परिचय बताया। मैं आशुतोष बिसेन, प्रदेश अध्यक्ष संगठित कामगार कांग्रेस।